अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन ग्रिल विद मशरूम क्रीमी सॉस। तो इसको चिकन को मैं पहले काटूंगी, आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहले चिकन को काट लूंगी। इस तरह सारा अलग करूंगी, दो दो ही से करूंगी। इससे मैं इस तरह मैं सारे करके आपको दिखाती हूँ। काट के रख लिया है, ये देखिए। अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस और चिली सॉस 2-2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और चिली फ्लिक्स भी 1 टेबल स्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी, फ्रिज में रखूंगी। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैं इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। चिकन मेरा मैरिनेट हो गया, मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किए हैं। अभी मैंने ग्रिल फैन लिया है, आप लोग कोई भी फैन ले सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ ग्रिल हो। इस पर मैं चिकन को पहले बनाऊंगी। इसमें मैंने ऑयल डाला है, अब इसको मैं तकरीबन इतना एक साइड से पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसका मैं साइड चेंज करूंगी। साइड में चेंज कर रही हूँ ताकि पहले इसका पानी सूख हो जाए। और ये बड़ी एहतियात से करना है क्योंकि चिमटे जो लगते हैं ना, पानी इसका अभी भी खुश्क नहीं हुआ है। इसके ऐसे चिमटे लगे हैं कि पूरा चूल्हा भी इसे गंदा होगा, मैस थोड़ा होगा इसमें, मगर खैर है, हम अपनी रेसिपी को तैयार करेंगे कि अच्छे से बने। और ये बहुत ही मज़े का बनता है। बाहर अगर आप लोग ये एक पीस का खाओगे तो आजकल 2000 से कम नहीं है, और घर में आप लोग कम पैसों पे सब खाओगे, 2000 तक में सारे घर वाले खाएंगे। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को फ्राई करें। इसको बस मैं थोड़ी देर और फ्राई करती हूँ, फिर निकालती हूँ। ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया, ये देखिए इसके साइड हो गया, बस इसको मैं फिर निकाल दूँगी। इसको मैं डिश आउट करके आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। चिकन हमारा रेडी हो गया, अब मैं इसका सॉस बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी, इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल दिए, अदरक नहीं सॉरी लहसुन डाल दिए। लहसुन के साथ मैं मशरूम डालूंगी, तो मैंने पानी से निकाला है। मशरूम भी अपना पानी छोड़ता है थोड़ा सा, ये ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसे मैं और क्या डालूंगी। ये बिल्कुल रेडी हो गए, अब मैं इसमें
एक चम्मच नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून चीनी है और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी, 2 पैकेट किसी भी ब्रांड के आप डाल सकते हो। तो मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखो इसमें मैंने दूध डाल दिया है। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी। और इसके ऊपर 2-3 मिनट के लिए मैं इस पर ढक्कन रखूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि इसमें अच्छा से चिकन में टेस्ट आ जाए सॉस का। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़े से पारसे डाल दिए और अभी मैं इसको डिश आउट करूंगी। बहुत ही मज़े का बना है। हमारे चिकन क्रीमी मशरूम रेडी हो गए हैं और ये बहुत मज़े के बनता है। आप लोग लाजमी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।